कैसे हो आप सब? तो चलो आज पापा की भूख के लिए स्पेशल पनीर मोदक बनाते हैं। तो एक कढ़ाई लो, उसमें डालो थोड़ा सा, मतलब लगभग आधा चम्मच घी, देसी घी, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। मैंने 200 ग्राम पनीर को मिक्सी में ग्राइंड कर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है, वो मैंने इसमें डाला है और अच्छे से मिक्स किया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको पनीर को ज्यादा ग्राइंड नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए ही ग्राइंड करना है। अगर आप ज्यादा ग्राइंड कर दोगे तो जो पनीर है वो बहुत ज्यादा दरदरा टाइप का हो जाएगा और मोदक बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो सिर्फ 1 से 2 सेकंड तक के लिए आपको ग्राइंड करना है, ज्यादा नहीं, और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपको पनीर को अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा भुनना है बस। और जैसे ही पनीर अच्छे से मिक्स होकर थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे दूध। मैंने आधा कप दूध डाला है और दूध डालकर हम इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही। ध्यान रहे इतना में बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है कि पनीर के बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाना चाहिए पनीर। तो हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरे 200 ग्राम पनीर के लगभग 6 से 7 मोदक बन गए थे। आपको जितने बनाने हैं मोदक आप उसके हिसाब से पनीर ले सकते हैं। और 200 ग्राम पनीर में मैंने आधा कप दूध डाला है तो आपको उस उतना ही रखना है, अपने हिसाब से आप उतना ही रेशियो रखो। और आप बिल्कुल ये पनीर मोदक ट्राई करो, बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं। अब जैसे ही हमारा जो पनीर है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है दूध में, हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे फूड कलर। मैंने येलो कलर का फूड कलर डाला है इसमें। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको हल्दी नहीं डालनी तो आप थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। और मैंने कलर डाला है और कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स। आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हैं, तो वो आप डालो और अच्छे से मिक्स कर लो। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमें दूध और पनीर को बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लेना है, कि जब तक कि वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। मैंने 4 से 5 चम्मच चीनी डाली है, और आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी ले सकते हैं। अगर आपको चीनी नहीं डालनी तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं या बूरा भी डाल सकते हैं। और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल गाढ़ा होने तक हमें इसे मिक्स करते रहना है। हमारा जो पनीर और दूध है वो ऑलमोस्ट गाढ़ा हो चुका है, तो हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम भरे ही मिक्स करते रहना है। और इस स्टेज पर हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। हमारा जो पनीर का जो पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे किसी भी एक प्लेट में और ठंडा होने देंगे। जैसे ही यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मोदक बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आप बिल्कुल ट्राई करो पनीर मोदक, बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं और पापा के तो बहुत ही बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा। आज गणपति जी विदा हो जाएंगे, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। बाय।